तो यहाँ मेरे पीछे आपको संरचना देख रहे हैं, ये एक स्त्री की संरचना है जिसके पीछे एक छोटा बालक है जो कि अपने माँ के पल्लू को पकड़े हैं, तथा स्त्री के गोद में भी एक बच्चा है। तो हम आइए उस तरफ से भी देखते हैं, स्त्री रो रही है और गोदी में जो बच्चा है वो भी मृत है। 2 दिसंबर सन 1984 को ऐसा क्या हुआ था कि हजारों लोग, निर्दोष लोग मौत के मुँह में समा गए। मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मैं यूनियन कार्बाइड भोपाल में, यहाँ पर की 1984 की जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई थी वो घटित हुई थी। तो यह स्थान भोपाल में DIG बंगले से छोले रोड की तरफ लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, और अगर हम छोला रोड से DIG बंगले की तरफ आते हैं तो भी लगभग ही इतनी ही दूरी है। तो ऐसा क्या हुआ था 2 दिसंबर सन 1984 को कि पूरे भोपाल और भारत में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में अचानक से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ और कुछ ही घंटों में लगभग 5,000 लोग मारे गए। उसके अगले 2 हफ्तों में लगभग 12 से 15,000 लोगों की भी मौत हुई। तो इसके लिए जिम्मेदार है मिक नाम की गैस, जिसे कि मिसाइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ये साइनाइड जो कि हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे जहरीला पदार्थ है, उसका ही एक अपर रूप है। रात को यहाँ के एक चैम्बर से मिक नाम की गैस का रिसाव हुआ और देखते ही देखते 5,000 लोग मौत के मुँह में चले गए, और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, हजारों लोग, और अगले 2 हफ्ते में लगभग 12 से 15,000 लोगों की और मृत्यु हुई, और कुल प्रभावित लोगों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 5 लाख लोग हैं जिन जो कि किसी न किसी प्रकार की बीमारी से उसके बाद ग्रसित हुए। तो ऐसी क्या लापरवाही हुई कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई? तो सबसे पहली लापरवाही तो है सरकार के एंड से। जब 1969 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली, तब भी यहाँ पर बसाहट थी और यह घनी बस्ती के बीच में था। यहाँ से मुख्य रेलवे स्टेशन अगर सीधे दूरी में देखा जाए तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद इसका 1979 यानी कि 1979 में एक प्लांट का और एक्सटेंशन दे दिया गया, तो यहाँ पर 2 प्लांट काम करने लगे। 1981 में जब इसका ऑडिट कराया गया तो यहाँ पर बहुत सारी खामियाँ पाई गई थी, जिनमें से एक प्रमुख खामी तो ये थी कि यहाँ जो भी मैनुअल थे वो सब अंग्रेजी भाषा में थे और जो स्टाफ था उसे अंग्रेजी ना के बराबर आती थी। दूसरी खामी ये थी, चूँकि 1980 के बाद यह कंपनी घाटे में जाने लगी थी, तो मेंटेनेंस के नाम पर बिल्कुल शून्य खर्चा कर दिया गया था और एक काम चलाऊ प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ पर जो गैस के 3 चैम्बर थे उनमें से एक चैम्बर नंबर 3 में इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा गैस स्टोर करी गई थी, जबकि उसका जो प्रेशर वाल्व था वो ख़राब था और वो एक नॉर्मल प्रेशर बता रहा था, जिससे कि जो उस समय फोरमैन था उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इसके बाद जब धीरे 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 गैस रिसने लगी तो उस समय रात में टी का टाइम चल रहा था और कर्मचारी फैक्ट्री बंद करके चाय का लुत्फ ले रहे थे, लेकिन उन लोगों को तभी महसूस हुआ था कि कहीं ना कहीं से गैस का रिसाव शुरू हुआ, और जो भी गैस के रेसिड्यूल्स बचते थे वो फ्लास्क में जाके जला दिए जाते थे, जिससे कि वातावरण में जहरीली गैस ना पहुँचे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही पहुँचे। तो चाय के समय ही उन लोगों को अंदाज़ा लग गया था, लेकिन उन्होंने पूरा पहले टी टाइम कंप्लीट किया और कहा कि बाद में देखेंगे। इस बीच तक बहुत टाइम गुजर गया और भोपाल के आसपास के वातावरण में ये गैस फैल चुकी थी, जिसमें कि लगभग 5,000 लोग उसी रात्रि को मौत के मुंह में चले गए, और पशु पक्षियों की तो कोई गिनती ही नहीं। इसके बाद जब वो अपना टी टाइम के बाद आए तो जो पानी की लाइन क्लियर करने के लिए जो प्रेशर दिया जाता था पानी के पाइप से, उसमें कचरा आ गया और पानी उसमें जमा होते 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 और गैस चैम्बर में गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिसाइल आइसोसाइनाइड की अगर पानी से प्रतिक्रिया करी जाए तो बहुत ही विध्वंसक गैस का निर्माण होता है, और वही गैस भोपाल के वातावरण में फैल गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरी गैस का एक बादल बन गया था, मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था, जिससे कि एकदम से अचानक इतनी मौतें हुई जिसके लिए कि सरकार या प्रशासन तैयार नहीं था। कुछ लोग तड़प तड़प कर मर गए, कुछ लोग हाल साल मर गए। उसके बाद भी गैस के दुष्प्रभावों ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, बाद में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ हुई। इसके बाद सरकार ने यूनियन कार्बाइड के भारत में और जो भी प्लांट थे सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जेम्स आरएन एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड का CEO था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको एक कुछ ही घंटों बाद एक मामूली से जुर्माने पर छोड़ दिया गया। उस पर वही धारा लगाई गई जो कि एक ट्रक ड्राइवर के दुर्घटना होने पर, लापरवाही से वाहन चलाने पर लगाई जाती है।
उसके बाद यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो आज जो केस चल रहे हैं उनमें इसलिए डाउ केमिकल्स का नाम आता है क्योंकि डाउ केमिकल्स के पास ही यूनियन कार्बाइड का मालिकाना हक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स की। यहाँ पर सेबन नाम का कीटनाशक बनाया जाता था जो में उसके बाद से भारत के पूरे प्लांट बंद हैं और यूनियन कार्बाइड पूरे विश्व से ख़त्म हो चुकी है। अब उसका मालकाना हक डाउ केमिकल्स के पास है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सरकार ने अपने खुद के नोटिफिकेशन में लगभग 3,700 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वीकार किया है जबकि वास्तविक गिनती इससे कहीं अधिक थी। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं जो पाइप, ये यूनियन कार्बाइड का वही पाइप है जहां से ऊपर गैस रिलीज हुई थी और उसके बाद तभी से ये परिसर पूरी तरह सील है। अंदर किसी भी प्रकार के लोगों के जाने की अनुमति नहीं है। आज भी यहाँ पर टनों में जहरीली गैसें और रसायन हैं जबकि जिस टैंक से यूनियन कार्बाइड निकली थी वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिजर्वॉयर टैंक था। जब दो टैंक और हुआ करते थे तो उस रिजर्वॉयर के टैंक में ही लगभग 36 टन गैस स्टोर की गई थी जो कि वातावरण में फैल गई। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास यूनियन कार्बाइड और भोपाल गैस त्रासदी को समझने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।